Hello students, today we are doing the topic law of demand. What is law of demand? Let's see that what is law of demand. Before this, in the previous videos, we have done about the definition of demand, we have done about the factors or determinants of demand, and all the determinants of demand, individual demand and market demand. द लॉ ऑफ डिमांड में फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमांड में कि स्टेटमेंट ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड क्या है. लॉ का जो स्टेटमेंट है वो क्या है, लॉ ऑफ डिमांड का जो स्टेटमेंट है. सो द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी व्हेन अदर थिंग्स बीइंग कॉन्स्टेंट. लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि एक इनवर्स रिलेशनशिप है किस किस के बीच में, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में, व्हेन अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट. ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक फ्रेज़ है, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, यानी कि जब अदर थिंग्स कांस्टेंट रहेंगी तो ही प्राइस और उसकी जो क्वांटिटी डिमांड है उसमें नेगेटिव रिलेशन होगा, यानी कि वो इनवर्स रिलेशनशिप शो करेंगी. और वो अदर थिंग्स जो हैं वो क्या हैं, उन अदर थिंग्स का जो नेम है वो है, जैसे कि हमारा हमने पढ़ा था जो डिटर्मिनेंट्स हैं उनमें, डिटर्मिनेंट्स में प्राइस के अलावा जितने भी डिटर्मिनेंट्स थे, जैसे कि प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर हो गया, टेस्ट एंड ट्रेंड्स हो गया, एंड द एक्सपेक्टेशंस फॉर फ्यूचर प्राइस एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो अगर ये सारी चीज़ें कॉन्स्टेंट रहें तो जो लॉ ऑफ डिमांड है वो अप्लाई हो सकता है, यानी कि अगर ये सारी चीज़ें स्टेट रहें, सारी चीज़ें कांस्टेंट रहें, तो प्राइस ऑफ गुड यानी प्राइस ऑफ द कमोडिटी और जो क्वांटिटी डिमांड ऑफ द कमोडिटी है दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है. इन अदर वर्ड्स हम देखें, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अदर थिंग्स बीइंग इक्वल और कांस्टेंट, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी is inversely related to the price of the commodity. अगर other things equal हैं तो quantity demanded जो है किसी भी commodity की और उसका जो price है वो हमेशा inversely related ही होंगे. So वो हमेशा inversely related होंगे, इसका मतलब दोनों में हमेशा negative relation होगा. Negative relation का मतलब क्या है कि अगर price increase होगा, किसी भी good का price अगर increase हो रहा है तो उसकी quantity demanded automatically decrease होगी, और अगर उसका price decrease हो रहा है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी. तो ये था हमारा लॉ ऑफ डिमांड. तो लॉ ऑफ डिमांड में जब भी आप से लॉ ऑफ डिमांड पूछा जाए तो आपको उसका स्टेटमेंट लिखना है, स्टेटमेंट में आपको इनवर्स रिलेशनशिप उसका बताना है व्हेन अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट. तो सिंबलिकली अगर हम इसे देखें तो dx इज इक्वल टू fpx, यानी कि dx फंक्शंस ऑफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यानी यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड का जो रिलेशन है वो प्राइस ऑफ द कमोडिटी से बताया गया है. इसका एक्सप्लेनेशन बॉक्स अगर हम देखते हैं, देखिए अगर प्राइस ऑफ कमोडिटी प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर डिमांड ऑफ कमोडिटी जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. किसी भी कमोडिटी का अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा हो तो उसका डिमांड इंक्रीज होगा, और कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो रहा हो तो उसका डिमांड डिक्रीज होगा. ये सभी को समझ में आ गया होगा. और इस लॉ की अजम्पशंस हम देखते हैं, यहाँ पर हम देखें लॉ की अजम्पशंस क्या क्या हैं. लॉ फर्स्ट अजम्पशंस ऑफ द लॉ दैट इज़ प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स डज नॉट चेंज, कि रिलेटेड गुड्स का जो प्राइस है वो चेंज नहीं होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल जो है चेंजेस गुड्स का प्राइस क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा. क्योंकि देखिए इससे पहले वाला जो हमने वीडियो देखा था उसमें जब हमने डिटर्मिनेंट्स किए थे तो हमने डिटर्मिनेंट्स में जब हमने रिलेटेड प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ा, रिलेटेड प्रोडक्ट्स में दो ही प्रोडक्ट्स आते हैं, एक तो सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. तो सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में जब हमने पढ़ा तो उसमें हमने ये पढ़ा कि अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में हम पढ़ते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस अगर चेंज होती है, यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस अगर कम या ज़्यादा होती है तो जो उसकी क्वांटिटी डिमांड है उस पर सेम गुड की जो क्वांटिटी डिमांड है उसकी सेम गुड की प्राइस का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता. यानी कि अगर सब्स्टिट्यूट गुड की, यानी कि जब आउटर रादर देन प्राइस, जब कोई आउटर जो सब्सटेंस है उसकी प्राइस जब इफ़ेक्ट डालती है तो वहाँ पर जो खुद जो प्रोडक्ट है
उसकी प्राइस का कोई भी इफेक्ट यानी कोई भी चेंज उस प्राइस का नहीं आता। देयर इज़ नो चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम में भी कोई चेंज नहीं आता है। अगर कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज नहीं आएगा तो ही ये जो लॉ है वो अप्लाई होगा। कोई चेंज नहीं होता कंज्यूमर की इनकम में, अगर इनकम में चेंज हुआ तो ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। यानी कि और है भी, अगर कंज्यूमर की इनकम में चेंज हो गया तो जिस क्वांटिटी की डिमांड वो पहले कर रहा था तो क्या वो उतनी क्वांटिटी की डिमांड करेगा? हो सकता है वो जो चीज़ पहले यूज़ कर रहा हो वो गिफ़न गुड हो, यानी कि लोअर क्वालिटी की गुड में आती हो, लेकिन अब वो जो गुड है वो कैसी हो गई हो, क्योंकि अब उसकी जो प्राइस है यानी अब उसकी जो इनकम है वो इनक्रीज़ हो गई है, तो अब वो अच्छी क्वालिटी वो ख़रीदना चाहता है गुड्स की। तो अच्छी क्वालिटी अगर वो गुड्स की ख़रीदना चाहेगा तो उसे क्या करना होगा, अपनी उसकी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज डिक्रीज़ करनी होगी। तो यहाँ पर इनकम बढ़ते ही क्या हो जाएगा, प्राइस चाहे घटे या बढ़े उसके लिए तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, यानी कि उस पर डिफरेंट इफ़ेक्ट पड़ने लग जाएगा। सो यहाँ पर कंज्यूमर की जो इनकम है वो भी क्या होनी चाहिए, बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। देयर इज़ नो एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर प्राइस जो है उसमें कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। यानी अगर कोई भी गुड है, कोई भी गुड्स और सर्विसेज हैं तो उसकी फ्यूचर प्राइसेस में अगर चेंजेस आते हैं तो आज की प्राइस का इफ़ेक्ट उस पर नहीं पड़ेगा कि आज की प्राइस क्या है। अगर फ्यूचर प्राइसेस के बारे में पता चल जाता है तो आज की प्राइसेस का पता हमें नहीं चलेगा। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर रिमेन कॉन्स्टेंट, अब देखिए टेस्ट और प्रेफरेंसेस जो हैं वो भी कंज्यूमर के क्या होने चाहिए, बिल्कुल कांस्टेंट होने चाहिए। यानी कि अगर वो कांस्टेंट नहीं रहे तो चाहे प्राइस इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो, जो क्वांटिटी डिमांड है उसका भी कोई सेंस नहीं होगा। हो सकता है वो स्टेबल हो जाए और हो सकता है वो अगर प्राइस इंक्रीज़ हो तो इंक्रीज़ होने लग जाए और प्राइस डिक्रीज़ हो तो डिक्रीज़ होने लग जाए। तो ये एक पॉइंट है कि टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में चेंज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है उसमें भी अकॉर्डिंगली चेंज नहीं हो पाएगा। अदर रिलेटेड फैक्टर्स रिमेन अनचेंज, अदर जो रिलेटेड फैक्टर्स हैं वो अनचेंज रहेंगे। अदर रिलेटेड फैक्टर्स जो हैं वो कैसे रहने चाहिए, अनचेंज रहने चाहिए। जैसे सोशियोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल, जो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं यानी कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए जिससे कि उसकी क्वांटिटी में या फिर उसकी क्वालिटी में या उसके प्राइस में कोई चेंज आए। तो देखिए टेबुलर और डायग्रामेटिक ये सारे जितने भी हमने अजम्पशंस पढ़े हैं, यानी कि रिलेटेड गुड्स की प्राइस चेंज नहीं होनी चाहिए, कंज्यूमर की इनकम चेंज नहीं होनी चाहिए, फ्यूचर जो एक्सपेक्टेड प्राइस है ऑफ फ्यूचर वो चेंज नहीं होना चाहिए, टेस्ट एंड प्रेफरेंस सेम होने चाहिए, अदर रिलेटेड फैक्टर्स रिमेन अनचेंज, और जितने भी रिलेटेड उससे फैक्टर्स हैं वो अनचेंज होने चाहिए। यानी कहने का मतलब सिर्फ प्राइस और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड, सिर्फ यही चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए और इन्हीं का जो किसी भी गुड की प्राइस जो है उसी का इफ़ेक्ट जो है वो देखा जाना चाहिए। सो टेबुलर और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो है लॉ की वो क्या है, देखिए प्राइस अगर रुपीज़ 10 है और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड रुपीज़ 2 है, प्राइस अगर 10 है तो उसकी क्वांटिटी की डिमांड की जा रही है 2 यूनिट्स की। अब जैसे जैसे प्राइस जो है, देखिए प्राइस रुपीज़ 8 हो गई तो यहाँ पर हम क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं क्वांटिटी यूनिट्स 4 की। पहले हम डिमांड कर रहे थे यूनिट 2 की, अब जैसे प्राइस कम हुई तो हमने 4 यूनिट्स यानी इनक्रीज़ कर दी डिमांड। यहाँ पर प्राइस है 6 यूनिट्स, यहाँ पर 6 यूनिट्स कर दी। फिर यहाँ जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज़ होती जा रही है वैसे वैसे डिमांड इंक्रीज़ होती जा रही है। अब ये जो डिमांड है जो इंक्रीज़ हो रही है, यानी कि अब ऐसी आ गई कि प्राइस रुपीज़ 2 पे आ गया प्राइस का स्टैंडर्ड, तो क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पर हो गई है यूनिट्स 10। अगर हम इसको डायग्राम बना के देखें तो डायग्राम में हम देखेंगे तो नीचे हम लेंगे क्वांटिटी, ओ एक्स एक्सिस पर हम लेंगे क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स, और यहाँ पर लेंगे क्वांटिटी प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक्स। तो इसका जो रिलेशन है वो कैसा होगा, नेगेटिव रिलेशन होगा। नेगेटिव रिलेशन का मतलब ये है, देखिए अगर यहाँ पर पहले मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट जो है कि फर्स्ट ओपी प्राइस थी और ओपी प्राइस पर हम ओक्यू क्वांटिटी ऑफ गुड्स परचेज कर रहे थे, तो जैसे ही क्या होता है प्राइस इंक्रीज होती है, यानी प्राइस पी से लेकर पी टू हुई, प्राइस अगर पी से लेकर पी टू हुई तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, और अगर प्राइस इंक्रीज़ हुई तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये रिलेशन जो है ये हमें बताता है क्या,
कि जो क्वांटिटी डिमांडेड है और प्राइस है उसमें कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन। इसीलिए इसका जो कर्व, जो स्लोप है, स्लोप ऑफ कर्व कैसा होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप वाला, यानी कि नेगेटिवली स्लोप्ड डाउन होता है। सो ये हो गया हमारा क्वांटिटी डिमांडेड। अब हमारी जो नेक्स्ट है, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड में हमने स्टेटमेंट पढ़ा, स्टेटमेंट के बाद हमने उसकी अजम्पशंस पढ़ी, देन अजम्पशंस के बाद हमने उसकी टेबल, देन डायग्राम। अब ये तो हो गया लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, व्हाई डज द लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट, ये लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट क्यों होता है, बेसिस क्या है लॉ ऑफ डिमांड के, व्हाई डज द डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स टू द राइट, ये जो डिमांड कर्व है ये डाउनवर्ड्स टू द राइट, राइट में डाउनवर्ड्स क्यों स्लोप करता है। द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑपरेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड और यूनिवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड और द डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। डाउनवर्ड स्लोप जो है डिमांड कर्व का, उस पर डिपेंड करता है। फर्स्ट जो हम पॉइंट देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे हम कुछ पॉइंट देखेंगे कि ये कुछ ये अप्लाई क्यों नहीं होता है लॉ ऑफ डिमांड, सॉरी अप्लाई क्यों होता है लॉ ऑफ डिमांड, अप्लाई होता है इसके क्या क्या रीजंस हैं, कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनके कारण जो लॉ ऑफ डिमांड है हमारा वो अप्लाई होता है। सो फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा, दैट इज़ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ द डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है यहाँ पे, द लॉ स्टेट दैट विथ कंजम्पशन ऑफ एनी एडिशनल यूनिट, जैसे जैसे हम एडिशनल यूनिट का कंजम्पशन करते जाते हैं किसी भी कमोडिटी की, जैसे जैसे हम किसी भी कमोडिटी की एडिशनल यूनिट का कंजम्पशन करते जाते हैं, यानी ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा का यूज़ करते जाते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम सक्सेसिव यूनिट्स गोज़ ऑन डिक्लाइनिंग। तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है सक्सेसिव यूनिट्स से वो डिक्लाइन हो जाएगी। अ कंज्यूमर विल बाय मोर एंड मोर यूनिट्स फॉर ऑफ अ कमोडिटी, कंज्यूमर जो है फिर उसकी जो ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी परचेज करेगा वो भी कब, व्हेन ही हैज़ टू पे लेस और लेस प्राइस, जब उसे कम और भी कम प्राइस क्या करना पड़े, पे करना पड़े फॉर ईच एडिशनल यूनिट, हर एडिशनल यूनिट के लिए, हर एडिशनल यूनिट के लिए उसे कम से कम प्राइस करना पड़े। अ कंज्यूमर इज़ इन इक्विलिब्रियम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज़ इक्वल टू द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। कंज्यूमर जो है वो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहता है जब मार्जिनल यूटिलिटी किसी भी प्राइस की, किसी भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब रहता है जब मार्जिनल यूटिलिटी उसकी प्राइस के इक्वल हो, यानी कि जितना प्राइस वो पे कर रहा है उतनी ही उसे मार्जिनल यूटिलिटी मिल जाए, यानी किसी भी कंज्यूमर को उस प्रोडक्ट के यूज़ से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी उस प्रोडक्ट की प्राइस के बराबर हो, यानी जितना वो यूज़ कर रहा है, जितना उसे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसकी प्राइस उसी के इक्वल होनी चाहिए। फॉल इन द प्राइस मेक्स मार्जिनल यूटिलिटी ग्रेटर देन द प्राइस। प्राइस में जो कमी आती है, मार्जिनल यूटिलिटी के प्राइस में जो कमी आती है वो मार्जिनल यूटिलिटी को प्राइस से ज़्यादा बनाती है। दिस इंड्यूस द कंज्यूमर टू बाय, इससे कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट परचेज करता है जब प्राइस जो है किसी भी कमोडिटी की जो प्राइस है वो गिर जाती है। सो इसी तरीके से लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है कि जैसे ही कंज्यूमर किसी एडिशनल यूनिट का यूज़ करता है, जैसे ही कंज्यूमर किसी एडिशनल यूनिट का यूज़ करता है किसी भी कमोडिटी की, तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे डिक्लाइन होती जाती है, और जैसे जैसे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होती जाएगी तो कंज्यूमर उसके लिए बहुत कम पैसे खर्च करेगा, और उसके पैसे कम खर्च करेगा तो यानी कि उसकी प्राइस को कम होना पड़ेगा हर एडिशनल यूनिट के लिए। कंज्यूमर जो है वो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहता है जब मार्जिनल यूटिलिटी इज़ इक्वल टू द प्राइस, जब मार्जिनल यूटिलिटी किसके इक्वल हो जाए, प्राइस के इक्वल हो जाए, और जैसे ही प्राइस में कमी हुई, मार्जिनल यूटिलिटी जो है अगर प्राइस से ज़्यादा होती है, दिस इंड्यूस द कंज्यूमर टू बी प्राइस फॉल, तो प्राइस को गिराने पर मजबूर कर दिया जाता है, यानी प्राइस गिर जाती है और फिर से डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है। एक्सप्लेनेशन बॉक्स हमारा जो है, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स, कमोडिटी एक्स की जो यूनिट्स हैं वो देखिए, एक्स यूनिट एक्स है, कमोडिटी एक्स है, उसमें यूनिट वन जो है, वन यूनिट की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो है 10 रुपीज़ एंड प्राइस है उसकी 4 रुपीज़, प्राइस तो 4 रुपीज़ पर यूनिट है। तो स्टार्टिंग के जो 3 पॉइंट्स हैं, अगर हम स्टार्टिंग के 3 पॉइंट्स या 3 यूनिट्स देखें, तो इन कंडीशंस में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इज़ ग्रेटर देन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मार्जिनल यूटिलिटी है जो कमोडिटी की वो प्राइस से ज़्यादा है,
और अगर हम इसके बाद देखें थर्ड यूनिट के बाद, तो फोर्थ यूनिट पे तो मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस दोनों क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। और अगर फिफ्थ यूनिट देखें तो उसके बाद क्या हो गया है कि मार्जिनल यूटिलिटी तो कम है और प्राइस ज़्यादा हो गई है, यानी कि अब उसको सेटिस्फेक्शन कम मिल रहा है, यानी कि अब वो अगर ज़्यादा उसको एग्रूट्स का यूज़ करेगा तो उसको कोई ना कोई लॉस हो सकता है। तो इस तरीके से ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मार्जिनल यूटिलिटी यानी लॉ ऑफ डिमांड जो है वो क्यों अप्लाई होता है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से। सो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि लॉ ऑफ डिमांड क्यों अप्लाई होता है, इसका दूसरा जो रीज़न है वो क्या है। तो तब तक इसको ध्यान से पढ़िएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।